ग्वालियर में एक 14 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा जब एक्स्ट्रा क्लास लेने कोचिंग सेंटर गई थी, तभी छात्रा को बहलाकर पड़ोसी लड़के अपने साथ ले गए और होटल में ले जाकर एक लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में बनाए गए दो आरोपी एक ही समुदाय के बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नामजद करके मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुरानी छावनी क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया है कि 1 अगस्त को एक्स्ट्रा क्लास लेने वह महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीडी नगर की एक कोचिंग सेंटर पर गई थी। इसी बीच स्कूटी सवार दो पड़ोसी लड़के यहां पहुंचे। इनमें से एक आरोपी का नाम साहिल खान है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम समीर खान बताया गया है। छात्रा दोनों लड़कों को जानती थी, क्योंकि दोनों ही उसके पड़ोसी थे। यही वजह है कि वह उनसे बात करने लगी। साहिल घुमाने और चाय नाश्ता कराने के बहाने छात्रा को शताब्दीपुरम स्थित एक होटल पर ले गया, जबकि साहिल का साथी समीर होटल के बाहर खड़ा रहा। इस दौरान साहिल छात्रा को होटल के एक कमरे में ले गया, जहां छात्रा से जबरदस्ती करने लगा। जब छात्रा ने विरोध किया तो साहिल ने उसकी पिटाई कर दी और इसके बाद उसके साथ गलत काम किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी देकर भाग निकला। तत्पश्चात पीड़िता कोचिंग गई और उसके बाद अपने घर पहुंची। घर पर पहुंचकर छात्रा ने अपने माता पिता को घटना की पूरी जानकारी दी। बाद में पीड़िता अपने पेरेंट्स के साथ थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी साहिल खान और उसके साथी समीर खान के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस की पकड़ से फरार समीर खान की तलाश की जा रही है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने जानकारी दी। महाराजपुरा थाने में एक नाबालिग छात्रा द्वारा, 14 वर्ष की है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो पुरानी छावनी के सामने रवि शिकरवार के यहाँ कोचिंग पढ़ने जाती है और कोचिंग में थोड़ा टाइम से पहले पहुँच गई थी। तो वहाँ उनकी कॉलोनी के दो लड़के थे, दोनों लड़कों ने कहा कि अभी टाइम है तो अपन घूम के आते हैं, और अपन विश्वास में उसको मोटरसाइकिल पे ले गए और वहाँ पे शताब्दीपुरम में सिग्नेचर होटल में ले गए। वहाँ पे चाय पानी पिलाने के बहाने उसके साथ में दुष्कर्म किया। एक युवक ने दुष्कर्म किया, दूसरा वहाँ पे निगरानी करता रहा। जब लोग लौट और फिर बाद में उसको मोटरसाइकिल से वहाँ कोचिंग पर छोड़ दिया। जब वो लौट के गई तो उसने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताई और फिर उसके द्वारा महाराजपुरा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसकी रिपोर्ट पर से तत्काल दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी महाराजपुरा व CSP महाराजपुरा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए पार्टी रवाना की गई और जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया उसको हिरासत में ले लिया। दूसरे आरोपी के लिए पार्टी रवाना हुई, वो भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा इस प्रकार की घटना क्यों घटित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।